चार श्लोकों में। तो उसमें अगर ये चार श्लोकों में संपूर्ण भागवत है, तो जो भागवत के जो 10 विषय हैं, सर्ग विसर्ग आदि जो हम सुनते हैं, मुक्ति, ईश कथा, मनवंतर कथा आदि जो 10 विषय हैं, ये भी इसमें वर्णित होने चाहिए। तो बोले हाँ, ये चारों ही श्लोकों में संपूर्ण रूप से इस 10 विषय को यहाँ पर वर्णन इन चार श्लोकों में ही कर दिया गया है। फिर कहते हैं कि ये जो चतुश्लोकी भागवत है, ये क्या है? ये संपूर्ण भागवत सूत्र रूप में है। और भागवत क्या है? वो संपूर्ण वेदों का सार है, अर्थोयम ब्रह्म सूत्राणाम। तो संपूर्ण जो वेद पुराण है वो भी किसमें होने चाहिए? चतुश्लोकी भागवत में होने चाहिए। तो क्या है? तो उत्तर में देते हैं, बोला हाँ है। किस प्रकार? बोला कहते हैं जैसे सबसे पहला, जैसे जी चार वेद है, सबसे पहला जैसे ऋग्वेद लिया, ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो संपूर्ण ऋग्वेद को वहां पर, पूरे ऋग्वेद की वहां पर व्याख्या कर देता है। जैसे भागवत का पहला श्लोक है वो संपूर्ण भागवत को सूत्र रूप में बता देता है, जैसे सृष्टि स्थिति प्रलय आदि, जन्मादस्य अन्वयाद इतर, इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से जो ऋग्वेद है उसका जो प्रथम श्लोक है वो भी क्या करता है? संपूर्ण ग्रंथ को निरूपण करता है। और उस प्रथम श्लोक का जो अर्थ है वो चतुश्लोकी भागवत के प्रथम श्लोक में लिया गया है, उसके अर्थ को यहां पर लिया गया है। तो यहां पर क्या हुआ? ये ऋग्वेद का समावेश हो गया है ये चतुश्लोकी भागवत के अंदर। दूसरा बताया यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का जो प्रथम मंत्र है उसका अर्थ यहां पर लिया गया है दूसरे श्लोक में, अथर्ववेद का तीसरे श्लोक में, और जो अंतिम में बच गया सामवेद उसको चतुर्थ श्लोक में लिया। तो इस प्रकार समस्त वेद जो है ये चतुश्लोकी भागवत में भी उपस्थित हैं। तो इस प्रकार ये जो चतुश्लोकी भागवत है ये संपूर्ण वेद इतिहास समस्त भागवत को धारण सूत्र रूप में धारण करने वाले बड़े अद्भुत ये चार श्लोक हैं, जो स्वयं भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु जो नारायण है उन्होंने ब्रह्मा जी को ये सब प्रदान किया है, ये दिव्य ज्ञान है। और बताते हैं कि जैसे बताया तीसरे श्लोक में बता दिया कि भगवान ने यह रहस्य बताया है, और 31वां जो श्लोक है उसमें जो है भगवान ने अपना संपूर्ण ज्ञान बताने के बाद में ब्रह्मा जी को उस ज्ञान को धारण करने के लिए एक आशीर्वाद भी वहां पे प्रदान किया है। और उसके बाद में 32, 33, 34 और 35 ये चार श्लोक जो है ये चतुश्लोकी भागवत हैं। और 36वां जो श्लोक है वो है आश्वासन प्रद कि अवश्य ही अगर कोई व्यक्ति ये चतुश्लोकी भागवत में बताई गई शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करेगा तो संपूर्ण रूप से शांति आदि प्राप्त करेगा। और जो 37 और 38 श्लोक है उसमें भगवान किस प्रकार अंतर ध्यान होते हैं ये बताया गया है। तो ये जो 10 श्लोक रूपी ये संपूर्ण चतुश्लोकी भागवत का यहाँ पर वर्णन है, जिसमें मुख्य रूप से चार श्लोक चतुश्लोक हैं। तो इसका जो प्रथम श्लोक है जिसकी व्याख्या आज मुझे करनी है, मैं यथा योग्य कोशिश करूंगा, वैसे तो बड़ा कठिन है लेकिन जैसा जहां तक मुझे समझ में आया मैं वर्णन करने की चेष्टा करूंगा। अगर कुछ गड़बड़ गलती हो जाए तो आप सब वैष्णव हैं, अपने निज गुण से मुझे क्षमा करने की चेष्टा करेंगे। तो जो प्रथम श्लोक है, अहमेव आसम एवाग्रे नान्यत यत सद असत परम पश्चाद अहम यद एतत च यो अवशिष्येत सो अस्महम। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, अहमेव आसम एवाग्रे, मैं ही था कब? ये सृष्टि के प्रारंभ में मैं था। जो ये सत और असत जो ये सृष्टि है जो हम देख रहे हैं, सत माने जो चित जगत और असत माने जो ये जड़ जगत, इसकी जो सृष्टि हुई है उसके पहले मैं था। और जब ये सृष्टि प्रलय आदि होने पर जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब एकमात्र जो वस्तु बचेगी वो कौन होगी? वो मैं ही होऊंगा। यहाँ पे कह रहे हैं सो अस्महम, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही बच जाता हूँ। यहाँ सूत्र रूप में भगवान यहाँ बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। और एक चीज हमने और जानी कि पहले जो बताना मैं भूल गया कि जो चतुश्लोक जो ये चार श्लोक हैं ये चार तत्वों को भी यहाँ पर, ये जो तीन तत्व हैं संबंध प्रयोजन और अभिधेय का भी निरूपण करते हैं। तो जो प्रथम जो दो श्लोक हैं ये संबंध को बताते हैं। तो जो ये पहला श्लोक हम जो सुन रहे हैं संबंधात्मक है, जो तीसरा श्लोक है वो प्रयोजनात्मक है, प्रयोजन को बताता है, और चतुर्थ श्लोक अभिधेय को बताता है। तो यहाँ पर संबंध बताते हुए भगवान कह रहे हैं, जैसे बताया ना सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब करने वाला मैं हूं, संबंध भगवान से हमारा क्या है? तो यहाँ पर जो सृष्टि के विषय में बताया, जैसे भगवान ने कहा कि सृष्टि के पहले भी और सृष्टि के बाद में भी मैं था, तो यहाँ पर होगा कि दोनों जगत में ये चीज लागू होनी चाहिए, जो चित जगत है वहां पर भी और जो ये जड़ जगत है यहाँ पर भी, ये दोनों बात परिपूर्ण रूप में जब सिद्ध होगी जब भी यहाँ पर सिद्ध होगा कि हाँ भाई भगवान की ये बात सत्य है।
तो इसका उदाहरण में कहते हैं कि इस जड़ जगत की पहले हम बात करते हैं। तो ये जड़ जगत की उत्पत्ति कैसे होती है, या जड़ जगत की उत्पत्ति वैसे तो कारणों दक्षाई जो विष्णु है जो कारण जल में शयन करते हैं, ये प्रथम पुरुष हैं, और इनका जो ये कहां से प्रकट होते हैं, ये महासंकर्षण से ये प्रकट होते हैं। तो जो कारणों दक्षाई विष्णु है, इनकी ईक्षण है, ये जो ईक्षण है जो साधारण नहीं, ये चिन्मय ईक्षण है जो रमा देवी के प्रति ये करते हैं, जो उनकी शक्ति है, और उसी का ही जो आभास है वो माया शक्ति के पास में जाता है, और इसी ईक्षण के माध्यम से, ईक्षण माने दृष्टि से देखना या कटाक्ष आदि ईक्षण, इसी ईक्षण के माध्यम से जो कारणों दक्षाई जो विष्णु है वो समस्त जीवों को माया के अंदर प्रविष्ट करा देते हैं, और जो माया है जो अभी क्रियाशील नहीं है वो ईक्षण प्राप्त करते के साथ में ही माया जो है प्रसव आदि आरंभ कर देती है, माने सृष्टि की रचना माया प्रारंभ कर देती है। तो इस प्रकार ये दिव्य ईक्षण जो भगवान कारणों दक्षाई विष्णु जो ये दिव्य ईक्षण करते हैं उसका इस प्रकार से, और इसी ईक्षण को जो ये जो ईक्षण आभास जो प्राप्त होता है माया को, इसी को ही जगत में लोग शंभुलिंग आदि भी कहते हैं, हमने मैंने सुना। तो इस प्रकार से इस ईक्षण से माया सृष्टि आरंभ कर देती है, और माया सृष्टि आरंभ करने पर पहले महतत्व आदि बनाती है, फिर उसके बाद में अहंकार, फिर सतरजतम, इस प्रकार धीरे 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 संपूर्ण सृष्टि का ये माया रचना कर दी चली जाती है। केवल भगवान के ईक्षण में इस प्रकार की क्षमता है कि जो ये जो निष्क्रिय माया क्रियाशील होकर के, जैसे भगवान बोलते हैं ना, माया दक्षिण कौन्तेय सूयते प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, तो इस प्रकार से जो माया है ये सृष्टि आदि कर देती है। अब बताया जो महाप्रलय जैसे सृष्टि हो गई, अभी सृष्टि हो चुकी है, बताया भगवान ने सृष्टि के पहले मैं था, तो हाँ कारणों दक्षाई विष्णु कौन है, भगवान की कला ही तो है, तो भगवान की कला के द्वारा सृष्टि हो चुकी है। अब प्रलय के समय क्या होगा, जिस प्रकार से सृष्टि हुई है ठीक उसके विपरीत क्रम से इसका विलय भी हो जाएगा, और विलय होते 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 अंत में ये सारे विश्व ब्रह्मांड फिर से जाकर के कारणों दक्षाई विष्णु में ही समा जाएंगे। इसका हमने उदाहरण देखा था नारद जी के चरित्र में, जब नारद जी बताते हैं कि किस प्रकार पिछले कल्प में मैं दासी पुत्र था, और कैसे 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 धीरे धीरे धीरे, और अंत में जब महाप्रलय का समय आया तो किस प्रकार ब्रह्मा जी सबको बीज रूप में लेकर के महाविष्णु में समा गए, फिर दोबारा सृष्टि होने पर मैं जो हूँ ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। तो ये हमने वहां पर उदाहरण में भी देखा था। तो ठीक उसी प्रकार जो समस्त महाप्रलय के समय क्या हुआ, ये समस्त विश्व ब्रह्मांड समस्त जीव बीज रूप में जाकर के कारणों दक्षाई विष्णु में समा गए, तो क्या हुआ, सृष्टि के बाद में भी भगवान वहां पर हैं, जिनसे निकले थे उनमें ही चले गए। तो यहाँ पे भगवान ने श्लोक में क्या कहा था कि सृष्टि के पहले भी मैं था और सृष्टि के बाद में भी मैं हूं, सत और असत दोनों ही प्रकार की, कैसे सत माने जो चित्त जगत और जड़ जगत माने असत, जिसके बारे में हमने सुना जड़ जगत, अब सत जो चिन्मय जगत जो चित्त जगत है उसके अंदर जो सृष्टि होती है उसके विषय में बताते हैं कि जो भगवान है, सर्वप्रथम भगवान एक ही है, लेकिन लीला आदि विलास के लिए जब भगवान इच्छा करते हैं कि सृष्टि हो, तो सर्वप्रथम भगवान की जो दाई ओर से जो बलदेव प्रभु वहां पर प्रकट होते हैं, और बाई ओर से राधा रानी वहां प्रकट होकर के उस जगत की वहां पर सृष्टि जो है बलदेव प्रभु धाम आदि परिकट सब वहां पर प्रस्तुत करते हैं, राधा रानी अपने सब अपने व्यू काय को आगे बढ़ाती हैं, और इस प्रकार वहां पर सृष्टि हो जाती है। और हमने सृष्टि हो गई और हमने सुना कि जो चिद जगत है वहां पर हमने श्लोक सुनते हैं जो राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रस्मात एकात्म वानो अपि भूवि पूरा देह भेदम गतो, तो बोला पूर्व में हम एक ही थे, अभी हम दो, पूर्व में हम एक थे फिर हम दो होकर के राधा कृष्ण, लेकिन अभी हम जो चैतन्य के रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम फिर से एक होकर के प्रस्तुत हुए हैं, राधा भाव द्युतिथ सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, तो हम जो दोबारा एक हो गए, पहले एक थे फिर दो हुए फिर से एक हो गए, तो क्या हुआ, प्रथम पहले भी कृष्ण थे बाद में बीच में भी कृष्ण दो हुए बाद में फिर से एक हो गए, तो चित्त जगत में भी ये नियम लागू हो गया कि भगवान पहले भी थे बाद में भी थे। तो इस प्रकार जो भगवान जो सत असत जितनी भी प्रकार की सृष्टि के पहले भी हैं और बाद में भी यहाँ पर विराजमान है, भगवान सर्वदा सदा सर्वदा होकर के विराजमान है। यहाँ पर एक चीज और विशेष बात है, शक्ति परिणामवाद को वैष्णव लोग यहाँ पर बताते हैं, जो महाप्रभु ने जो शक्ति परिणामवाद आदि बताया, ये शक्ति परिणामवाद, जैसे मायावादी जो हैं जो और भी जो जैसे जो जैसे मायावादी जो संप्रदाय है उसके अंदर बताते हैं विवर्तवाद परिच्छिन्नवाद प्रतिबिंबवाद इस प्रकार, लेकिन जो महाप्रभु हैं जब सार्वभौम भट्टाचार्य जी जैसे महाप्रभु ने जब
ये जो संपूर्ण मायावाद का खंडन करते हुए वहां पे उन्होंने शक्ति परिणामवाद को स्थापित किया। स्थापित करते हुए महाप्रभु कहते हैं कि शक्ति का परिणाम स्वरूप सब होता है, पूर्व में भगवान एक ही होते हैं, जिसको बताया ना हमने पहले बहुश्याम, एकमपि बहुश्याम, पहले मैं एक ही था लेकिन बहु इच्छा करने के कारण जगत में अनेक रूप से मैं यहाँ पे प्रकट हुआ। तो यहाँ पे बताते लेकिन कैसे प्रकट हुए, जो भगवान ने इच्छा करने मात्र से, जो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है, जो भगवान की स्वरूप शक्ति है वो तीन क्रियाओं के द्वारा संपूर्ण सृष्टि को कर देती है। जो भगवान की जो स्वरूप शक्ति है वो चित रूप में चित जगत का, जो चित शक्ति के रूप में चित जगत की, संपूर्ण चित जगत की वहां पर रचना कर देती है। तो ये जो चित जो शक्ति है और जो भगवान की स्वरूप शक्ति, इसमें कोई भी भेद नहीं होने के कारण जो चित जगत में जितने भी जीव होते हैं, जितने भी भगवान के वहां पर धाम में जीव होते हैं, वो पूर्ण होते हैं, वो कभी भी बद्ध नहीं हो सकते, वो नित्य मुक्त, क्योंकि वो कभी भी बद्ध नहीं हो सकते, वो पूर्ण है क्योंकि वो चित शक्ति का परिणाम है। फिर यही जो स्वरूप शक्ति है, इसकी जब अंश रूप में ये जीव शक्ति है, तो जीव शक्ति जिन जीवों की रचना करती है वो अणु मात्र में होती है, उनके अंदर समस्त गुण भी अणु मात्र में होते हैं, तो ये बद्ध होने के लिए बद्ध हो जाते हैं क्योंकि पूर्ण नहीं होने के कारण बद्ध हो सकते हैं। और जो ये जो माया शक्ति है वो स्वरूप शक्ति की छाया है, इसलिए ये जो माया शक्ति जो यहाँ पर जो भी जगत में जो हम देखते हैं ये उसके छाया स्वरूप है, उसको बोलते हैं छाया जैसे उल्टी, यहाँ पर भी सब चीज जैसे उल्टी होती है, जैसे वहां प्रेम इधर काम आदि, हमने सब उदाहरण आदि सुने हैं। तो इस प्रकार भगवान की जो चिद शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, और इनकी तीन तीन वृत्तियां हैं, तीनों ही शक्ति की तीन तीन वृत्ति है, संवित, संदिनी, संवित और हलादिनी, तीन तीन। तो जैसे सबसे पहले हम जो माया शक्ति का देख लेते हैं, तो माया शक्ति की जो संदिनी शक्ति है वो क्या करती है, ये समस्त जो संदिनी जो वृत्ति है वो क्या करती है, ये समस्त जड़ वस्तुओं को प्रकाश कर देती है। जैसे हम ईंट पत्थर जितनी भी चीज हम देख रहे हैं सब कौन प्रकट कर देती है, ये माया शक्ति है, उसकी जो संदिनी वृत्ति है इन सब चीजों को प्रकट कर देती है। और ये जो माया शक्ति है उसकी जो संवित वृत्ति है वो उस ज्ञान को प्रकट करती है, जिससे हम इन जड़ वस्तुओं के विषय में जो हमें ज्ञान होता है उसको वो हमें वहां पे प्रकट, ये समस्त ज्ञान को प्रकट कर देती है। और जो माया शक्ति की जो अंतिम जो वृत्ति हलादिनी वृत्ति है वो क्या करती है, जो जड़ीय रस जो हम आस्वादन करते हैं, रसगुल्ले का, कूलर एसी की ठंडी हवा, ये जो भी हम प्राप्त करते हैं, ये वो जो वृत्ति है वो सब प्रस्तुत करती है। अब जीव शक्ति, जो भगवान की जीव शक्ति है उसी की भी इस प्रकार से ही तीन वृत्ति है, संदिनी, संबित और लादिनी। जो संदिनी वृत्ति है उससे क्या होता है, जीव की जो सत्ता है, जो तटस्थ स्थान पर जो जीव उत्पन्न हुआ है उसकी जो सत्ता है, अणु सत्ता है, बहुत ज्यादा सत्ता नहीं, अणु अंश मात्र में उसकी सत्ता है लेकिन सत्ता तो है, इसीलिए बताया वो संदिनी वृत्ति उस सत्ता को वहां पर उपस्थित कर देती है। और जो संबित शक्ति है वो जो जीव के अंदर जो अणु ज्ञान है उसको वहां पे प्रस्तुत करती है। और जो अणु आनंद है उसको कौन प्रकट कर देता है, जो हलादिनी शक्ति, वहां पर जीव शक्ति की जो हलादिनी वृत्ति है, क्योंकि आत्मा के अंदर क्या है, सत चित आनंद से ही आत्मा बनी हुई है लेकिन अणु मात्र में, इसलिए बताया ना भगवान का अंश होने के कारण जीव के अंदर में भी ये सत चित आनंद, ये तीनों ही प्रकार के गुण है लेकिन कितनी मात्रा में, अणु मात्रा में। और ये जो जीव, जो जीव शक्ति जो है ये तटस्थ स्थान है, ये तटस्थ स्थान है, ये वही जहां पर बताया ना यथाग्नि शूद्रा विस्फुलिंगा, उस प्रकार से भगवान के रोम कोप से अनंत जीव जिस प्रकार निकलते ये वही स्थान यहाँ पर। हाँ, और अब जो रह गया वो कौन सी रहेगी, चित्त शक्ति। जो चित्त शक्ति की भी तीन वृत्ति है, संदिनी, संबित और हलादिनी। जो संदिनी वृत्ति है उससे जो चित्त जगत है वो प्रकाश होता है, जिसके अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु हैं। और जो संवित वृत्ति है उससे जो चिद जगत में संपूर्ण ज्ञान है उसके जो अधिष्ठात्री देवता कौन है, स्वयं कृष्ण हैं। और जो अंतिम जो हलादिनी वृत्ति है उनसे जो समस्त आनंद, जो रास आदि, जो जितनी भी लीलाओं का जो आनंद है वो हलादिनी शक्ति से वहां पर प्रकट होता है, उनके अधिष्ठात्री देवी कौन है, स्वयं श्रीमती राधिका रानी। तो ऐसी बात नहीं है कि बाकी दो जैसे जो वृत्ति इधर में नहीं है, परिमाण के हिसाब से अधिष्ठात्री देवता का वहां पर निरूपण किया गया है। तो इस प्रकार जो चिद जगत और जड़ जगत दोनों के विषय में यहाँ पर भगवान ने बताया कि उनके पहले भी मैं था, बाद में भी मैं हूँ। ब्रह्मा जी को ये भगवान क्यों बता रहे हैं, ये समस्त विशेष भगवान क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान, विज्ञान, प्रेम और संबंध जो साधन भक्ति को ब्रह्मा जी को निरूपण कर रहे हैं, क्यों बताने के लिए कि देखो
मेरे एक कला से इतनी बड़ी सृष्टि हो भी जाती है और प्रलय भी कर देती है, एक अंश क्या मेरा प्रभाव है। तो इस प्रकार भगवान अपना ऐश्वर्य दिखा करके अपना संबंध जीवों के प्रति बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, मुझसे ही समस्त जगत है, अंत में सब मेरे पास में ही आने वाले हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है इसको श्रवण करके अब दूसरा श्लोक आगे कोई बताएंगे, मैं जो मैं समझ गया मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की चेष्टा करी, कोई गलती हो तो क्षमा कीजिए। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधु भय वच पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज, नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए समस्त रूपानु गुरुवर्ग के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद परमेश्वरी प्रभु एवं यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। चतुश्लोकी भागवत का प्रथम श्लोक हमने श्रवण किया, किस प्रकार भगवान अपने स्वयं को शक्ति परिणामवाद का उन्होंने बतलाया, ये इसकी टीका में वैष्णवों ने। और दूसरे श्लोक में जो भगवान ने सबसे पहले तो अपने बारे में बताया प्रथम श्लोक में, दूसरे श्लोक में वो अपनी शक्ति अर्थात माया के विषय में कुछ बतला रहे हैं। दूसरा श्लोक ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात आत्मनो माया यथा आभासो यथा तमाम। इसका शाब्दिक अर्थ करते हुए बता रहे हैं कि ऋते अर्थम यत प्रतीयेत, कि अर्थ से यहाँ पर बता रहे हैं कि मूल वस्तु कौन है, भगवान। तो भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है वो क्या है, या फिर जो प्रतीत नहीं होता, यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि उसको क्या जानो, तद विद्यात आत्मनो मायाम उसको जानो माया, वही माया है। अर्थात कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी प्रतीत होता है वह माया है। और उसको इसको दो उदाहरण के माध्यम से यहाँ बतला रहे हैं, यथा आभास यथा तमा। आभास के लिए बता रहे हैं यहाँ पर कि चंद्रमा, जैसे आकाश में चंद्रमा होता है, और यदि पृथ्वी पर कोई किसी कांच के अंदर उसका प्रतिबिंब हो तो ऐसा लगता है चंद्रमा दो हैं, ऐसा लगता है चंद्रमा दो हैं, लेकिन मूल में क्या है, चंद्रमा एक ही है। और तम के लिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं राहु का, जैसे राहु नक्षत्र, राहु जो है, राहु क्या है, ग्रह मंडल में है भी, ग्रह मंडल में होने के बावजूद भी वो दर्शित नहीं होता, दिखाई नहीं देता, काला होने की वजह से दिखाई नहीं देता, तो वो पूर्ण रूप में अंधकार है, वो है तम। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो चीज ये प्रतीत हो रही है ये होने पर भी क्या है, नहीं है। जैसे भगवान के अंदर उदाहरण देखा जाए, भगवान सत्वगुण रजगुण और तमगुण, ये तीन गुण ये माया की वृत्ति है, ये त्रिगुण जो है ये माया की वृत्ति है, लेकिन जब भगवान सृष्टि करते हैं तो सृष्टि करने पर क्या करते हैं, वो रजोगुण को अंगीकार करते हैं। जब इसका स्थिति होती है, स्थिति के समय पर भगवान सत्वगुण को अंगीकार करते हैं, और जब प्रलय होती है, प्रलय होने पर तमोगुण को अंगीकार करते हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान इन तीनों के तीनों को अंगीकार करके और ये तीनों कार्य कर रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है भगवान भी इन त्रिगुणों के अधीन हो गए, इन तीनों गुणों से उनको अफेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतीयत न प्रतीयत, ऐसा दिखने पर भी, ऐसा प्रतीत होने पर भी भगवान इन सब से परे हैं, भगवान इन सब से परे हैं, यही चीज बताई गई है यहाँ पर। जैसे एक उदाहरण लेते हैं सूर्य का, हमने पहले भी श्रवण किया है प्रभु जी से भी, किस प्रकार सूर्य का, जब आकाश में सूर्य है और सूर्य से किरणें निकलती है, यदि वो सूर्य की किरणें बादलों के द्वारा आवृत हो जाती है तब उसका हमारे पास जो प्रकाश आता है वो क्या है, वो प्रतिबिंब है, वो आभास है, आभास है। और यदि सूर्य की किरणें किसी जलाशय में पड़ रही है और उस जलाशय से फिर वो सूर्य की किरणें किसी कमरे में आ रही है तो उसको बताया प्रतिबिंब।
अभी सूर्य का मुख्य लक्षण क्या है? सूर्य से जो किरणें निकलती है तो उसका मुख्य स्वरूप है ताप। प्रकाश तो होता ही है लेकिन उसके साथ में ताप भी होता है। लेकिन आप देखोगे जब सूर्य किरणें जलाशय के ऊपर पड़ के और जब कमरे में आएगी तो कमरे में आलोक तो हो जाएगा, कमरे में उजाला तो देखने को मिलेगा लेकिन ताप नहीं मिलेगा। मूल लक्षण जो ताप था वह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये आभास है, प्रतिबिंब आभास है। उसी प्रकार बता रहे हैं कि ये तो हो गया आभास। और तम, तम का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि पूर्ण रूप में अंधकार। जैसे अभी भारत में अभी सूर्य छिप गया है लेकिन देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स में अभी सूर्य होगा तो वहां पर उजाला है लेकिन यहाँ पर अभी अंधकार है। तो इस प्रकार तम को बता रहे हैं कि जहां पर सूर्य की अनुपस्थिति है उसको बता रहे हैं ये पूर्ण रूप में अंधकार है, और जहां पर सूर्य का आभास हो रहा है किसी वस्तु के हिंड्रेंस, वस्तु के आवृत हो जाने के कारण, तब उसको बोल रहे हैं वो आभास है। अभी इसी चीज को जीव पर यदि अप्लाई करें, ये तो फिलोसॉफिकल बताया, अभी इस चीज को यदि जीव पर अप्लाई करें, जीव का स्वरूप क्या है? जीव चित्त स्वरूप है, जीव चित्त स्वरूप है। और ये चित्त होने के बावजूद भी क्या होता है, उसका कृष्ण के साथ में संबंध है लेकिन वह माया में जैसे भोग की इच्छा करता है। क्या? कृष्ण बहिर्मुखे जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही जीव के हृदय में भोग करने की वांछा होती है तो क्या करती है, उसको माया झपट लेती है। अभी माया के जैसे यहां बताया ना आभास और तम, तो ये आभास को बता रहे हैं ये है गुण माया, और ये आभास को बताया ये जीव माया, और जो तम है गुण माया। अभी आभास के विषय में यहां बता रहे हैं जैसे ही जीव ने इच्छा करी भोग वांछा करने की तो जीव माया क्या कार्य करती है, उसको अविद्या से ग्रस्त कर लेती है। जीव का जो शुद्ध अभिमान है कि वह कृष्ण दास है, इसको आवृत करके वो अपने आप को क्या मानता है कि मैं माया का दास हूं। हमने श्रवण किया ना किस प्रकार जीव भूल के और अपने आप को माया का दास मानता है। पिशाची पाल लिया जनो मति छिन्न होय मायाबद्ध जीवेर होय सही भाव उदय। जैसे किसी व्यक्ति को किसी भूत ने पकड़ लिया, किसी एक पुरुष था, पुरुष को किसी भूत ने पकड़ लिया तो वो अपना परिचय क्या देता है कि मैं स्त्री हूं, अपना नाम बताती स्त्री है, तो लेकिन वो है क्या, मूलतः पुरुष है। ऐसे ही बता रहे हैं यहां पर पिशाची पाले जनो मति छिन्न होय, क्या हो रहा है उसके ऊपर भूत का अटैक हो जाने की वजह से वो अपना परिचय एक स्त्री के रूप में दे रहा है। उसी प्रकार जीव शुद्धतः तो कृष्णदास है लेकिन माया का अटैक हो जाने की वजह से, माया के कारण अपना परिचय देता है क्या, कबू राजा कबू प्रजा कबू विप्र शूद्र कबू सुखी कबू दुखी कबू कीट शूद्र कबू स्वर्गे कबू वर्के कबू नरके वा कबू कबू देव कबू दैत्य कबू दास प्रभु। इस तरह से जीव अपना अलग अलग परिचय देता है कि मैं इन जड़ जगत के लोगों से, मेरे परिवार से मेरा संबंध है, मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं कहीं का राजा हूँ, मैं कहीं का क्या हूँ, तो इस तरह अलग अलग परिचय देता है। लेकिन ये सब क्या है, ये उसका शुद्ध परिचय नहीं है। तो ये जीव माया यही करती है, जीव माया क्या करती है, उसे अविद्या रूप में ग्रस्त कर लेती है, और अविद्या होने के कारण वो अपना विपरीत परिचय देता है, विपरीत संबंध बताता है। कृष्ण के साथ यद्यपि उसका नित्य संबंध है, जैसे कृष्ण के साथ में संबंध बताया ना मैया यशोदा का, वात्सल्य भाव में उनका संबंध है, सख्य वात्सल्य मधुर, इस प्रकार नित्य सिद्ध ब्रजवासियों का भगवान के साथ में संबंध है, जीव का भगवान के साथ में नित्य संबंध है, लेकिन माया के अंदर आ जाने के कारण वह संबंध विपरीत हो रहा है। इसको आभास बताया ना, आभास मतलब मूल वस्तु के साथ में इंटरलिंक तो है लेकिन बस विपरीत है। क्यों? क्योंकि माया ने जकड़ लिया है, इसलिए ये बता रहे यथा आभासो। इसलिए दूसरा बता रहे यथा तम, तम अर्थात पूर्ण रूप से अंधकार। तब यहां पर बता रहे ये है गुण माया। गुण माया मतलब कि सत्व रज तम, हमने सुना पहले, ये तीन गुणों से आवृत होके जीव सारे कर्म करता है। जीव के अंदर गीता में जैसे बताया ना क्या, अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता अहम अपि मन्यते कि इति मन्यते, कि जीव इन त्रिगुण तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित होके और स्वयं को कर्ता मानता है, जबकि कार्य ये सारे प्रकृति के तीन गुण ही कर रहे हैं। जब जीव के अंदर सत्व गुण की प्रधानता हो जाती है और दो गुण कम हो जाते हैं तब वह सात्विक कार्य करता है, जब उसके अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है बाकी दो गुण घट जाते हैं तो वह राजसिक कार्य करता है। तो इसी प्रकार जो भी वो कार्य कर रहा है वो हो रहे हैं इन प्रकृति के गुण के द्वारा, वो खुद नहीं कर रहा है लेकिन खुद को कर्ता मानता है, खुद को कर्ता मानता है, इसलिए ये पूर्ण रूप में अंधकार है, पूरा ही ऑपोजिट। दूसरी बात एक और यहां बता रहे हैं
कि उसको जो सुख दुख होता है, सुख दुख क्या है, ये सब मन को होता है, लेकिन आत्मा तो सुख दुख से ऊपर है। आत्मा को ना ही तो सुख होता है ना ही दुख होता है। ये सुख और दुख जो कर्म करे हैं, जो सत्व रज और तम इन तीनों गुणों के आधार पर उसने जो कर्म करे हैं, उस कर्म के प्रभाव से उसको जो भी सुख दुख मिलता है, वो भी क्या करता है, स्वयं दुखी होता है। जबकि ये सुख दुख सिर्फ मन की वृत्ति है, आत्मा को इन सबसे कुछ लेना नहीं है। और एक और बात बता रहे हैं कि ये मन की वृत्तियां होने के बाद में भी क्या है, यहाँ पर प्रकृति की ये तीन गुणों में वो अपने आप को भोक्ता मानता है, स्वयं को भोक्ता मान रहा है, जबकि जीव कभी भोक्ता हो ही नहीं सकता। जीव का नित्य स्वरूप क्या है, वह दास स्वरूप ही है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि वह अपने आप को दुखी भी मान रहा है और तीन गुणों जो कर्ता भी खुद को मान रहा है, ये सारा पूर्ण रूप में विपरीत है। ये पूर्ण रूप में अंधकार क्यों बताया है, क्योंकि ये मूल चीज से एकदम विपरीत है। जिस प्रकार सूर्य की अनुपस्थिति में पूर्ण अंधकार है, उसी प्रकार इस गुण माया के गुणों के अधीन होके जीव का जो कुछ भी अभिमान है, अपने आप को भोक्ता मानना या सुखी दुखी होना, ये सारा सब पूर्ण अंधकार है। इसलिए बता रहे हैं यथा आभासो यथा तमः, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया जीव के लिए। अभी यदि हम इसको देखें भगवान के चित जगत पर, तो उसके अंदर क्या होगा कि भगवान इन भगवान जैसे बता रहे ना, न प्रतीयत यत प्रतीयत न प्रतीयत, कि भगवान में ऐसा दिखता है कि भगवान भी इस माया के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय के उदाहरण में हमने समझा कि ऐसा लग रहा है भगवान इन तीनों गुणों को अंगीकार कर रहे हैं, इन तीनों गुणों के अधीन होकर सृष्टि स्थिति प्रलय होती है, लेकिन भगवान इनसे अफेक्टेड नहीं होते। जैसे व्यासदेव जी ने जब भगवान का जब तपस्या करी, उसके बाद में उन्होंने क्या करा, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते अम्ले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायांच तदपाश्रयम्। माया को बताया कि माया पीछे खड़ी थी, विलज्ज मानया कि लज्जित होके माया भगवान के पीछे खड़ी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो जीव को भगवान से विमुख कर देती, तो इसलिए भगवान के अंदर माया नहीं है, भगवान माया द्वारा प्रभावित नहीं है। बता रहे हैं ना, माया अध्यक्षेण अर्थात मेरी दासी है माया, इसलिए भगवान माया से विपरीत है। लेकिन चित जगत के अंदर क्या होता है, भगवान की एक शक्ति जो है योग माया, योग माया से ये प्रतीत भी होता है, उनकी भगवत्ता प्रतीत भी होती है और नहीं भी होती है। हाँ, जिस लीला वेशे प्रभुर नाही देह अनुसंधान, इच्छा जानी योग माया करे समाधान। भगवान जो भी कोई लीला करेंगे वो योग माया को उपाश्रित, योग मायाम उपाश्रित, जो भी लीला करेंगे योग माया का आश्रय लेते हुए। उदाहरण के तौर पे जैसे हम समझें, यदि भगवान ने जैसे मिट्टी खाई, भगवान ने मिट्टी खाई तब क्या हुआ, सखाओं ने जाके माँ को बोल दिया, बोले मैया आज कृष्ण ने मिट्टी खाई है। मैया वहां पर से छड़ी लेकर आई ब्रह्मांड घाट पे और कृष्ण का कान मोलते हुए हाथ में लाठी दिखाते हुए कहती है, बोले तुमने मिट्टी खाई। और कृष्ण यहाँ पर झूठ बोल देते हैं, नाहम भक्षितवानंबो सर्वे मिथ्याभिसंशिना, कि मैया ये सारे सखा झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया बोलती, बोले तू अकेला सत्यवादी है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तब बाद में योग माया ने क्या किया, लास्ट में मैया ने जब कृष्ण को कहा कि तुम मुख खोलो, जैसे ही कृष्ण मुख खोलते हैं तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड कृष्ण के छोटे से मुख के अंदर, मैया ने देखा वहां बड़े बड़े पर्वत झरने आकाश इतने सारे नक्षत्र सब छोटे से मुंह के अंदर, और मैया ने स्वयं को भी देख लिया कृष्ण के मुख के अंदर। ठीक है, यहां पर भगवान की योग माया ने क्या किया, उनका ऐश्वर्य प्रकाशित कर दिया। लेकिन दूसरे ही क्षण क्या किया, भगवान ने जब सोचा कि मैया मुझे भगवान मान के कहीं ऐसा ना हो मेरे लिए मंदिर बनवा दे और मुझे वहीं पे पूजा करे, बताशे का भोग लगाए और पट बंद कर देगी, यदि ऐसा हो जाएगा तो फिर मैं सुंदर सुंदर लीलाएं कैसे करूंगा। तब कृष्ण के जब हृदय में ये इच्छा हुई, कृष्ण के मन में जब ये इच्छा हुई, तो उन्होंने की योग माया ने तब क्या किया, उनकी भगवत्ता को हटा दिया। तो प्रतीत न प्रतीत पर उसकी प्रतीति हुई और दूसरे समय पर उसको हटा दिया। जब भगवान ने जब ब्रह्मा जी ने बछड़े इत्यादि चोरी किए थे, अंत में जब भगवान जब ब्रह्मा जी आकर और भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, उस समय पर भी क्या देख रहे हैं कि एक समय पर देखते हैं कि वहां पर बछड़े हैं, दूसरे समय पर देख रहे हैं कि बछड़े तो मैंने चुरा लिए थे, बछड़े वहां पर नहीं है। कृष्ण ने अपनी स्वयं की कायावु को और प्रकाशित करके सारे बछड़े और सखा बना दिए। तो एक समय पर प्रतीत हो रहा है कि भगवान वहां पर है, वहां पर बछड़े सारे हैं, सखा भी हैं, दूसरे समय पर नहीं दिखते। एक समय पर उनको दिखता है कि सारे बछड़े और सारे सखा चतुर्भुज हो गए, प्रतीत हो रहा है कि सब चतुर्भुज हैं, लेकिन दूसरे ही पल देखते हैं कि वही साधारण रूप में सखा खड़े हैं, बछड़े खड़े हैं। तो ऐसे प्रतीत न प्रतीत, जब भगवान की दामोदर लीला हुई
दामोदर लीला के अंदर भी हमने देखा किस प्रकार मैया यशोदा कृष्ण की वही छोटी सी कमर को बांधने की चेष्टा कर रही है। अभी रस्सी बढ़ती जा रही है, मैया यशोदा रस्सी बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती जा रही है, लेकिन फिर भी दो उंगल कम पड़ रही है, फिर भी दो उंगल कम पड़ जा रही है। तो उसकी दो उंगल कम जो पड़ रही है, यहां पर भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित हो रहा है। कृष्ण की कमर तो वो की वही है, लेकिन मैया यशोदा फिर भी बांध नहीं पा रही। लेकिन जब भगवान का मैया का परिश्रम देखकर भगवान के हृदय में इच्छा हुई कि मैं बंध जाऊं, तो उस समय पर क्या हुआ, वही छोटी सी कमर है और उसको मैया ने बांध दिया। तो उनका ऐश्वर्य क्या हुआ, प्रतीत भी हुआ और प्रतीत नहीं भी हुआ। तो चित जगत के अंदर भी माया का योग, माया का प्रभाव से क्या होता है, प्रतीत न प्रतीत चात्मनी, यही इस श्लोक में बतलाया गया है कि किस प्रकार जड़ जगत, किस प्रकार चित जगत, क्या आभास है और क्या तम है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तीसरा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य अज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरनुमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑफर माई रेस्पेक्टफुल हम्बल ओबीसेंसेस ऑन टू द लोटस फीट ऑफ माई गुरुपाद पद्मा। जय विष्णुपाद परमहंस परिवृजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्तिवंत माधव महाराज, देन अंटू माई शिक्षा गुरु श्रीपद परमेश्वरी प्रभु, देन अंटू द एसोसिएट महाराज परिवृजकाचार्य भक्तिवंत श्रीधर महाराज। सो महाराज हैज ऑर्डर्ड मी टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब सो आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर दिस क्लास। दिस चतुश्लोकी भागवतम एज इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, बी इट वेदास उपनिषद्स एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज कंप्राइज्ड इन दिस फोर वर्सेस एंड वी हैव हर्ड अबाउट दिस अंटिल नाउ। एंड द थर्ड वर्स दैट आई गॉट इज यथा महंती भूतानि भूतेषु च वच्चेष्वन् प्रविष्टानि अप्रविष्टन्ति तथा तेषु न तेष्वहम्। इन द वे कृष्ण सेज़ टू लॉर्ड ब्रह्मदेव, इन द वे आई एम सिचुएटेड इन ऑल द एनिमल्स एंड डेमिगॉड्स इन द फॉर्म ऑफ पंचभूतास। पंचभूतास मीन्स भूमि नरपनलो वायु, बोथ इनसाइड एंड आउट। इन द सेम वे आई एम सिचुएटेड एज परमात्मा एंड भगवान, both inside and out of the living entities simultaneously. So Bhakti Vinod Thakur says that the material world, which is a creation of this cosmos, is actually temporary, but it's not false. Mayavadi says it is false, jagan mithya brahman satya, but it's not the case. Actually this material world is a transformation of the Lord's energy, and Lord's energy being non-different from Lord himself, this material world is just flickering in a sense. After a certain period of time, this material world gets annihilated. In Shastodhyaya of first canto Srimad Bhagavatam, there is a beautiful description of how Virat Purusha is formed. When the beginning creations was happened, and when there were no further creation, Pradhan was there and everything was there. Lord thought of creating the rest of the creatures for the deliverance of the soul. So eventually he started to create Panchabhutas, Mahapanchabhutas, Jnanendriya, Karmendriya, then rest of the things, Tanmatras, Man, Buddhi, Ahankar. But there were no further creation. So Lord, after having entered all these elements,
ही एम्पावर्ड टू फॉर्म असेंबली ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू फॉर्म ए विराट पुरुष. सो विराट पुरुष अलॉन्ग विद द जीवस एंड क्रिएटिव पोटेंसी स्टेड इन साइड द एग ऑफ एग मीन्स अंडर लाइक दिस यूनिवर्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर थाउजेंड्स ऑफ लाइट ईयर्स. When Lord finally empowered these things, they assembled together form a Virat Purusha. Virat Purusha contains heart, 10 pranas, as well as 3 Adidevik, Adibhautik, and Adhyatmik things. So together with this, Virat Purusha was formed. When head was formed, Brahma took its position. When mind was formed, moon god took its position. And when different things were, when genital was formed, Prajapati took its position for the creation of the whole universe. So eventually every living creature was formed out of this Virat Purusha. So in this way we can come to know that the Lord exists and non-exists in the form of Panchabhutas, in the with the Jivas both inside and out. In the same way he exists as Paramatma and Bhagwan both inside and out simultaneously. There is a verse in Brahma Samhita which says that Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavita Vi Sthaye Reva Nije Rupatakaya Kalavi Vishnu Goloka Namni Nijadamni Tale Sasya Govinda De Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami, which means that the Lord who exists as Paramatma in each and every jiva also exists as a supreme personality of Godhead in his Golok Dham. So if Lord exists as Paramatma in each and every jiva, then what is the function of this Paramatma? So the function of this Paramatma is Upadrishtanamanta Bharata Bhokta Maheshwara. He is the sanctioner of the activities of the living creatures. He has nothing to do with the any result of the activities performed by the living creatures. So but this is a result with the karmi or fruitive actors. So he just sanctions the activities of the living creatures. But for a devotee, he is a guardian, guider, and everything. One who has ointment of love anointed to his eyes. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Hridesh Vilokayanti Yam Shama Sundara Machintya Gunaswarupam Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami. One whose eyes is anointed by this love of Godhead can see the Lord within him in any sense. Such a man can approach the Lord as the Lord he is. Bhaktyamam Abhijanati Yavan Yashamshita Tvata Tato mam ishate jnato ishate tadanantaram. Only by bhakti, a person, a jiva can come to know of me as I am and can attain my abode. This is mentioned in Srimad Bhagavad Gita. Also it is mentioned as mam cha vyabhicharana bhakti yogena sevata sa gunan samatetan brahma bhuyaya kalpate. One who does bhakti without falling down, means without hindrance in bhakti, can attain me. So this is mentioned in Bhagavad Gita and other scriptures. The Paramatma Tattva is also mentioned in Mundaka Upanishad. Dva Suparana Sayuja Sakaya Samanam Vruksha Parisha Svajate Tayasvaya Pippalam Svadatyo Shano Dayo Bishwavati, which means the Lord as Paramatma is situated in each and every living entity's heart, but only the Jiva is the enjoyer of the fruity activities or his karma. The Lord is just watching as the Jivas go on eating the fruit of his karma. In this way, this verse, third verse, is interpreted, and this is the basic detail that I have got. बोलो
अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री त्रिदंडी स्वामी परिवराजाचार्य श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूँ और मेरे शिक्षा गुरुपाद पद श्रीपाद परमेश्वरी प्रभु जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णव के चरणों में यथोज्ञ प्रणाम। जैसा कि हम श्रवण कर रहे हैं चतुर्श्लोकी भागवत के संबंध में, उसी संबंध में मुझे जो है चौथा श्लोक बोलने का आदेश हुआ है। चौथा श्लोक है एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्या सर्वत्र सर्वदा। इसका साधारण अर्थ है आत्म तत्व के जिज्ञासु व्यक्ति विधि और निषेध का विचार करके जो वास्तव वस्तु है जो सर्वत्र सर्वत और सर्वदा नित्य है उस विषय में ही जिज्ञासा करेंगे अर्थात परिप्रश्न करेंगे। बता रहे हैं कि यह जो रहस्यात्मक इसमें जो रहस्य बताया है उसको भगवान ने सोने की डिबिया में रखी चिंतामणि के समान इस श्लोक को भक्ति के अतिरिक्त ज्ञानमूलक अन्य अर्थ के द्वारा आच्छादित किया है। क्यों किया है? क्योंकि भगवान को जो है अपनी चेष्टा से नहीं जाना जा सकता। उसके लिए शास्त्रों में बताया नायाम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वेश वृणुते तेन लभ्य सस्य सात्मा विवृणुते तनुसाम। ये जो भगवत तत्व है भगवान है इनको जो है नायाम आत्मा प्रवचने न प्रवचन के द्वारा न वेधया और जो अधिक बुद्धिमान है वो भी नहीं इसको जान सकते हैं और बहुना श्रुतेन जो अधिक पंडित हैं वो भी इसको तत्व को नहीं जान सकते। उसके लिए बताया फिर लभ्य तस्य सात्मा विवृणते तनुसाम कि जो उनके शरणागत हो जाता है वही इसको जान सकता है और वो उस तत्व को जो है उसके समक्ष प्रकाशित कर देते हैं। उसके लिए बताया तस्माद् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। जो जिज्ञासु हैं जो भगवत तत्व को जानना चाहते हैं उनको क्या करना पड़ेगा? गुरुं प्रपद्ये गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। गुरु के शरणागत होने पर वो जो है इस तत्व को समझ पाएंगे कि भगवत तत्व क्या है। फिर आगे बता रहे कि महाप्रभु का मत क्या है श्रीमद् भागवतम पुराणमलम प्रमाणमलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदम तत्रादरो न परा। जितना जरूरत उतनी तो बोल कि जो है भागवत को प्रमाण रूप में बता रहे हैं कि ये जो है इसके अलावा हमें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। उसी भागवत को भगवान ने श्री ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी के रूप में श्रवण कराया। उसमें पहले श्लोक में बता रहे कि अहम एव इसमें क्या बताया? इसमें भगवत तत्व के स्वरूप को उनके गुण को और लीला को वर्णन किया है। दूसरे श्लोक में बता रहे कि रिते अर्थम इसमें जो है भगवत स्वरूप के तत्व से पृथक जो माया तत्व है उसके संबंध से माया शक्ति के वश में जीव जो है माया शक्ति के वश में कैसे हो जाता है उसका इसमें वर्णन है। फिर तीसरे श्लोक यथा महान्ति भूतानी इसमें जीव और जड़ से जो है भगवत तत्व के अचिंता भेदाभेद का वर्णन है। और चौथे श्लोक में इसमें जो है प्रयोजन तत्व को प्राप्त करने का साधन कैसे करना है वो बताया। अब आगे बता रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि विधि और निषेध का विचार करके भागवत में बताया आज्ञा एवं गुणान दोषान मयादिष्टान अभिस्वकान
धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजिष्य सत्तमा। आज्ञा एवं गुणान दोषान, आज्ञा एवं आ मतलब सम्यक रूप, एक सम्यक रूप से या मतलब जानकर जो विधि और निषेध हैं उनको विचार करके जो मेरा भजन करता है वो सबसे उत्तम है। अब यहाँ पे एक विचार है, भगवान ने जो उपदेश दिए हैं उसमें जो है कह रहे हैं कि विधि और निषेध का विचार करना है। अरे भगवान ने कोई उपदेश दिया है तो उसमें विधि और निषेध का क्या विचार करना है? उस तो कारण होगा कि इसमें बताया कि अधिकार के अनुसार जो साधक है वो उन विचारों को ग्रहण करेगा। एक उदाहरण के माध्यम से बता रहे थे प्रभु जी कि जैसे दसवीं क्लास का बच्चा है, अगर उसको पांचवीं क्लास में बैठा दो तो क्या होगा, वो अधिकार से उसके अलग चला गया। और जो पांचवीं क्लास का बच्चा है उसको दसवीं क्लास में बैठा दो तो भी अधिकार से अलग हो गया उसके। इस प्रकार विचार करके जो मेरा भजन करता है वो सबसे उत्तम है। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसकी टीका में बता रहे हैं कि कैसे साधन करना है, किस तरीके से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। इसमें श्लोक बताया यत कर्म भी यत तपसा, श्लोक तो पता नहीं मुझे पूरा, इसमें बता रहे हैं कि कर्म ज्ञान योग और भक्ति आदि साधनों में से जो साधन है वो कौन सा सर्वश्रेष्ठ साधन है? भक्ति। यही जो है हमारे परम मंगल का साधन है। कर्म से, ज्ञान से, योग से हमारा मंगल नहीं होगा। मंगल किससे होगा? भक्ति से। भक्ति जो है एकमात्र साधन है। फिर आगे बता रहे हैं श्रेय श्रितिम भक्ति मुदस्से केवल बोध लब्धे, कि जो भक्ति को छोड़कर अन्य अन्य उपायों का अवलंबन करता है उसे क्या होता है? कष्ट ही प्राप्त होता, कष्ट ही प्राप्त होता है। जैसे अगर कोई चावल, धान होता है उसमें से चावल निकल जाए और धान की भूसी को कूटे तो क्या प्राप्त होगा? केवल परिश्रम ही होगा, उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार इसमें बताया। फिर आगे बता रहे हैं अकाम सर्वकाम मोक्षकाम व मोक्षकाम उधार दी तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम, के जो काम है मतलब जो निष्काम है, जिनकी कोई कामना नहीं है, सर्वकाम जिनकी बहुत सारी कामनाएं हैं, और मोक्षकाम जो मोक्षकामी हैं, उधार दी जो उधार हैं, उदार बुद्धि मतलब बुद्धि वाले हैं, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम पुरम पुरुषम परम, जो ऐसे लोग हैं वो क्या करें? तीव्र भक्ति योग के द्वारा उस परम पुरुष को जान सकते हैं, उस परम पुरुष का जो है समझ सकते हैं। इस प्रकार वर्णन है। फिर महाभारत में बताया कि धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को जो है पुरुषार्थ प्राप्ति का साधन बताया। परंतु क्या ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये जो इनसे जो है पुरुषार्थ प्राप्त हो जाएगा? नहीं होगा। उसके लिए भी क्या इनको भी प्राप्त करने का एक साधन है ये, मतलब इनको प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसको इनकी आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अपने आप प्राप्त हो जाते हैं उसको। इसलिए बताया कि भक्ति के बिना परम मंगल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर व्यतिरेक रूप में बता रहे कि मुख बाहुरु पादेव्य पुरुषस्य आश्रम सह चतवारो जगीरिय वर्ण गुणे विपरादय पृथक, कि भगवान के मुख बाहु उरु और पाद चार वर्ण और चार आश्रम प्रकट हुए हैं। चतवारो जगीरिय वर्ण गुणे विपरादय पृथक। इस प्रकार ये ऐसे जो व्यक्ति हैं, फिर अगले श्लोक में बता रहे कि जो भगवान से अंगों से उत्पन्न हुए जो जीव हैं, अगर वो अपने उत्पत्ति स्थल भगवान का भजन नहीं करते हैं तो क्या होता है? वो अपने जो स्थान है वो उससे पतित हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें बताया। और एक श्लोक में और बता रहे कि स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, विधि क्या है कि भगवान का निरंतर स्मरण करो, और निषेध क्या है कि उनको कभी भूलो मत। इस प्रकार जो है जो ऐसा
विचार करके भगवान का भजन करता है वो उस तत्व को जान पाता है। इस प्रकार मैं अपनी वाणी को कहकर विराम देता हूँ। वांछा कल पुत्र कृपा सिंधु पति का नाम पावनी वैष्णव देवी नमः। क्या 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 ज्ञान की बात ज्यादा सुन रहा दिमाग चकरा जाता है। हरि बोल हरि ओम ज्ञान तिमिरां धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै यैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्रीरो सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोतर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। कतगल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्री विदुर जी से श्री उद्धव जी का साक्षात्कार हुआ उस समय में कहते जब दो संत मिलते हैं हैं बोले चार मिले चौसठी खिले उसके बाद में बोलो दस रहे कर जोड़ हरिजन से हरिजन मिले वहाँ से एक करोड़। कहते चार मिले चौसठी किले जब एक साधु से दूसरे साधु मिलते हैं पहले चार कहते उसके आँख और उसके आँख कितना हो गया दो दो चार आँख सबसे पहले आँखों से आँखों मिलाते ना सबसे पहले हैं इसलिए चार मिले चौसठी किले। जब दोनों संत से मिलते हैं कि जगत में सबसे बड़ा आनंद किया है जब किसी भक्तों से मिलो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर जीवन में सबसे बड़ा जीवन में दुख का विषय हो जीवन में सबसे बड़े दुख में पड़े हो उससे बड़ा जो दुख नहीं अगर उसी समय में भी अगर हमें संतों का भक्तों का दर्शन मिल जाए प्रभुपाद कहते हैं समझो ये जीवन का सबसे बढ़िया दिन है। वो दुख नहीं वो परम आनंद का दिन है क्योंकि भक्त कब मिलते हैं जब संसार का सारे दुख खत्म होने के लिए आता है। इसलिए जब चार मिले चौसठी खिले चौसठी मतलब हमारे 32 दांत और उनका 32 दांत मतलब जब एक दूसरे को देखते हैं खुश होते हैं ना आज वैष्णव का दर्शन मिला है हैं संत दर्शन वैष्णव दर्शन मिला है। इसलिए चार मिले चौसठी खिले बोले दस रहे कर जोड़ जब एक भक्त दूसरे भक्तों को देखते प्रणाम करते हैं दंडवत प्रणाम तद्विधि प्रणिपात है ना सबसे पहले आपस में दोनों प्रणाम करते हैं है? नियम है जब हम किसी वैष्णव को दर्शन करें सबसे पहले हम प्रणाम करें इसलिए दस रहे कर जोड़ कहते हरि जन से हरि जन मिले वहाँ से एक करोड़। जब एक भक्त दूसरे भक्त से मिलते हैं क्या होता है सब उनकी जो रोमावली उनका रोंगटे खड़े हो जाते हैं प्रसन्न हो जाते हैं उनका रोम रम खिल उठता है आनंद में भरपूर हो जाते हैं जब हम भक्त दर्शन करते हैं। इसलिए कहते वहाँ से एक करोड़ कहते शरीर में कितने बाल है कहते 50 लाख हैं और 50 लाख कितना हो गया एक करोड़ हो गया बस खुश हो गए। इसलिए जब श्री विदुर जी को साथ में श्री उद्धव जी मिले बड़े प्रसन्न हुए बड़े प्रसन्न हो करके तब उन्होंने हैं उन्होंने दोनों में इतने उद्धव जी कल महिमा श्रवण कर रहे थे श्री उद्धव जी की
उद्धव जी कृष्ण के अत्यंत अत्यंत ये प्रिय सखा है। हाँ, आज भी हम लोग उद्धव कुंड गए थे, दर्शन करके आए उद्धव कुंड में, इसलिए बड़े प्रिय सखा भी है, उनका मित्र भी है, उनका मंत्री भी है, सब कुछ उनकी कृष्ण के ये उद्धव जी है। और कृष्ण स्वयं कहते हैं मेरे और उद्धव जी में कोई भी नुन्न मात्र भी कोई फर्क नहीं, वो एक ही है, है? नुन्न मात्र भी कोई फर्क नहीं। इसलिए दोनों बड़े प्रसन्न होकर के कहते, उद्धव जी बचपन में खेल में इतने उसमें आवेश रहते थे कृष्ण का मूर्ति को लेकर के, और सोते समय उनको गोद में लेकर के सोया करते थे, एकदम कृष्ण चिंता में एकदम आविष्ट हो जाते थे। जब उद्धव जी श्री विदुर जी को कृष्ण कथा सुनाने जा रहे हैं, कृष्ण की महिमा, जब कृष्ण की उनका हृदय में स्मरण आते ही कहते एकदम उसमें एकदम मुग्ध हो गए, और उसमें एकदम क्या हो गए, आत्मविभोर हो गए। आत्मविभोर हो करके कहते यहाँ पर तीन श्लोकों के द्वारा कृष्ण की महिमा को बता रहे हैं। इसलिए कल हम लोग क्या सुन रहे थे, बोले जन्मर्त लीलोय पम सोजग सोजग माया बलम दर्श इतम गृहितम विस्पापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पद भूषणांग भूषणांग में। इसलिए बोले जन्मर्त लो मर्त लीलोपैकम, है इसलिए कृष्ण कैसे लीला की, मर्त लीला के अनुरूप उन्होंने लीला की। अगर कृष्ण अगर मर्त लीला से अगर कोई दिव्य लीला करते क्या होता, कहते लोगों को समझ में नहीं आता। इसलिए कृष्ण ऐसे इसलिए बचपन में क्या किया, जैसे छोटे छोटे बच्चे जैसे नटखट करते हैं, गोपियों के घर में कृष्ण आकर मक्खन चोरी करते थे, अगर किसी के घर में मक्खन नहीं मिला ना वहाँ टाटी करके आ जाते थे, और कभी कभी बोलते थे आज मेरे लिए किसी घर में अगर कोई मक्खन रखा नहीं, बोले आज मैंने आया मेरे लिए तुमने मटकी को सुना करके रखा है, तेरे घर जिंदगी भर सुना ही रहेगा, है तेरे घर जिंदगी भर खाली ही रहेगा, तेरे घर कभी भरेगा नहीं। कभी बच्चियों को चिमटी काट देते थे, कभी इनको चोटी को, है कभी खाटिया में बांध देते थे कृष्ण। इसलिए कृष्ण जैसे एकदम छोटे बालक जैसे लीला करते हैं, हैं कृष्ण मिट्टी खाए, बच्चे लोग मिट्टी खाते हैं ना, कृष्ण मिट्टी भी खाए और मैया भी उनको डांट लगाई। इसलिए कृष्ण इसलिए कहते हैं कृष्ण रे जतग लीला सर्वतम नर लीला, नर लीला है अनुरूप। इसलिए कहते कृष्ण का जितने सारे लीला है, हैं जितने सारे कृष्ण का लीला है, हम कृष्ण की कथा जब समय सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे, वहाँ पर कौन बैठे हुए थे बताओ, 88,000 ऋषि लोग बैठे हुए थे, और वहाँ पर कैसे कृष्ण नटखट कर रहे, कैसे उद्धव मचा रहे, कैसे उल्टा सारे बड़े बड़े ऋषि लोग बैठे बैठ कर हंस रहे, बैठ बैठ कर कृष्ण की कथा सुन करके हंस रहे। लेकिन यही कथा उन्होंने तो कृष्ण कथा को हम सुन रहे सुनकर हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उसमें मन डूब जाता है। लेकिन यही कथा अगर किसी साधारण बच्चे को कथा हो हम सुनेंगे, नाती पोतियों की कथा हो, दुनिया की कथा हो, भक्त लोग सुनते हैं नहीं सुनते हैं, क्यों, वो कथा सुनोगे तो माया की बंधन का प्राप्ति होगी। अगर कृष्ण की कथा अगर सुनोगे मन क्या होगा, कृष्ण में डूब जाएगी, कृष्ण में डूब जाएगा तो क्या होगा, बस मुक्ति के कारण बन जाएगी, संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए कहते कृष्ण अपना जोग माया को अवलंबन करते हुए कहते ना, अजो अपि सर्ण अभय आत्मा भूतान अपि ईश्वर प्रशान प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्माया। इसलिए भगवान कहते मैं अजो होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। लेकिन हम लोग कैसे जन्म हुई, हमारी कैसे जन्म हुई है, कहते कर्म फल से अधीन होकर के नहीं चाहने पर भी तुमको जन्म लेना ही पड़ेगा, क्यों, पूर्व जन्म में जो पाप कर्म किए हो उस तुमको भोगना पड़ेगा। मानव शरीर हमें क्यों मिला है बताओ, पूर्व जन्म के कर्म को भोगने के लिए मिला है, जोर जबरदस्ती आना पड़ेगा, है तेरे को जन्म लेना ही पड़ेगा कर्म फल बाध्य होकर के। लेकिन भगवान की लीला के ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जोग माया को आश्रय करते जीवों को है कर्मी विविध क्रिया अनुग्रह है भक्तानाम, भक्तों को ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान जगत में लीला ग्रहण लीला करते हैं। इसलिए कहते कृष्ण जतक लीला सर्वोत्तम नर लीला, भगवान तो बहुत सारे लीला की है लेकिन सबसे जो मीठी लीला ठाकुर का कौन, बोले नर लीला। साधारण इंसान जैसे बनकर के भगवान जैसे सखाओं को साथ में, गोपों को साथ में,
हैं जो लीला किया है, बोले नर बपुर तहार स्वरूप, कहते उनकी असली स्वरूप क्या है कृष्ण का, नर बपुर है 3.5 फुट गए, ये जो रूप है भगवान का जो 3.5 फुट का जो नर बपू, कहते यही इनकी असली यही रूप, इसलिए कृष्ण गीता में किया क्या कहते हैं, मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, इसलिए कृष्ण कहते अर्जुन कहते मेरे से ये परतत्व जगत में कुछ है नहीं, इसलिए मन मना भव, कृष्ण क्या कहते हैं, मन को मुझे दो, मन और किसी को मत दिया करो, मत भक्त भव, भक्त बनना तो किसका भक्त बनो, मेरा ही भक्त बनो, पूजा करना तो किसकी पूजा करो, मेरी, और नमस्कार करना तो मेरे को, फिर माम एससी तब तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, है इसलिए कहते हैं उनका जो असली जो स्वरूप है नर बपू है, वो नर बपू लोग गोप बेस बेणुकर, उनका जो बेस है जब गैया चराने के लिए कृष्ण जाते, जो गोप बेस है जब कृष्ण मीठे मीठे मधुर मधुर कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, हैं अगर नवकिश्वर नटवर, भगवान के स्वरूप कैसे नवकिश्वर, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते, 14.5 साल से कृष्ण का उम्र कभी ज्यादा नहीं हुए, हर समय नव किश्वर रूप में, कृष्ण जगत में कितना साल तक रहे, 125 साल तक रहे, भगवान की देखा कभी दाढ़ी निकले है, भगवान की कभी मोच निकले कभी देखा, कभी देखे हो भगवान कभी बूढ़े हुए है, भगवान कभी बूढ़े हुए नहीं, कहते वो नव किश्वर नटवर, हर समय किश्वर अवस्था में कृष्ण रहते, कभी कृष्ण बूढ़े नहीं होते हैं, इसलिए नर लीला है अनुरूप, कृष्ण की जो लीला है एकदम इंसान जैसे लीला करते हैं ऐसे ही कृष्ण लीला की है, इसलिए कृष्ण मधुर रूप सुन सनातन, इसलिए श्री महाप्रभु सनातन गोस्वामी कहते बोले कृष्ण का मधुर रूप को सुनो, बोले जेरू पर एक कण डुबाए से त्रिभुवन, कहते जिनकी एक कण कृष्ण की जो लीला है क्या करता है, ये त्रिभुवन को डुबा देता है, इसलिए सर्व प्राणी करे आकर्षण, समस्त प्राणियों को भगवान ये आकर्षण करते, समस्त प्राणी बोले जोग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तार शक्ति लोको दिखाई थे, इसलिए भगवान ने क्या किया, जोग माया की जो चित शक्ति उसको विद्युत विशुद्ध सत्व का जो परिणति उसको दिखाने के लिए कृष्ण जगत में आकर के इतने सुंदर लीला की, बोले कैसे लीला की, दर्शन विस्पापनम स्वस्य च सौभ कर दे, कृष्ण कभी कभी अपना लीला को देखकर कृष्ण स्वयं विस्पास, स्वयं कृष्ण क्या एकदम विस्पाप हो जाता है, विस्मरण आश्चर्य हो जाते हैं कृष्ण स्वयं, इसलिए कहते हैं ना संति यद्यपि में लीला प्राच्या मनोहरा नाही जानी स्मृत रासे मनो में की दृश्य भवे, कृष्ण कहते हैं यद्यपि मेरे लीला बहुत सारी लीला है लेकिन मैं जब अपना लीला के बारे में सोचता हूँ ना, कौन सा बोले रासलीला, जब मैं स्वयं रासलीला के बारे में स्वयं चिंतन करता हूँ, पता नहीं मेरा मन क्या हो जाता है, मेरे को स्वयं को समझ में नहीं आता जब मैं रासलीला को जब मैं दर्शन करता हूँ, इसलिए कृष्ण अपना रूप को देखकर कृष्ण मुग्ध हो जाते हैं, हैं इसलिए कृष्ण जब मक्खन चोरी कर रहे थे, अभी कृष्ण ने सोचा दूसरे गोपियों के घर में मक्खन चोरी करने से पहले अपना घर में चोरी करके देख लेता हूँ, क्यों अगर अपना घर में पकड़ में नहीं आऊँगा फिर दूसरे घर में तभी तो पकड़ में नहीं आऊँगा, अगर अपना घर में पकड़ में आ गया तभी दूसरे घर में भी पकड़ में आ जाऊँगा, इसलिए मैया से है मैया से छुपा करके कृष्ण मक्खन चोरी कर रहे थे, जब मक्खन चोरी कर रहे थे मटकी से मक्खन निकाल रहे थे, अभी उखल पर खड़े होकर मक्खन उतार रहे, नंद बाबा का घर तो मणि मणि से बनी हुई और जितने खंभे सब मणि स्तंभ है, इतने में कृष्ण का परछाई मणि स्तंभ में पड़ा, कृष्ण देख करके हैं कृष्ण देख करके कृष्ण कहते बड़े सुंदर बालक है, हैं ये तो बड़े प्यारा बालक है, लगता है मैं जैसे मक्खन चोरी कर रहा हूँ मेरे घर में मेरे जैसे एक बच्चा और कोई आ गया, इसलिए वो भी मक्खन चोरी कर रहा है लेकिन देखने में तो बड़े सुंदर ये बच्चा है, हैं इसलिए कृष्ण ने सोचा हो ना हो ये मैया को बोल नहीं दे, इसलिए क्या करो, बोले इससे मित्रता बना लो, बोले मित्रता कैसे बनाओगे, बोले ददाती प्रतिगिरनाति गुह्यम नाख्याति परिचति, इसलिए भोक्ते भोजय चैव सर्वविद प्रीति लक्षणम, बोले 6 तरह का प्रीति लक्षण है, खिलाओ और उनसे खाओ, खिलाओ उनको खाओ, दो और उनसे लो, तभी तो मित्र बनोगे, इसलिए
बोले भैया उसको मक्खन खिला करके अपना दोस्त बना देता हूँ। कृष्ण बोले देखो ये मक्खन तू भी खा अब मैं भी खाता हूँ, लेकिन मैया को बोलना नहीं। चोरे चोरे मसूरी भाई हैं, इतने में परिचय भी वही बोला खाना तू भी खा मैं भी खाता हूँ लेकिन मैया को नहीं बोलना हैं। कृष्ण बोले तुम मेरे घर में आकर मेरे को उपदेश दे रहे हो, बस उसने भी यही बोला, बोले तुम मेरे को बोल रहे हो, बोले ये तो बड़ा बदमाशी है मेरे। इतने में कृष्ण तो लड़ने लग गया, मैया पास घर में काम कर रही थी, बोले घर में तो कोई है नहीं, ये किससे लड़ रहा है, किससे लड़ रहा है। इतने में मैया चुपके से आकर के देखा कृष्ण अपना परिचय से ही कृष्ण लड़ रहे थे। इतने में मैया ने बोले लाला किससे बात कर रहे हो, बोले भैया मैया भी देख लिया है, मैं तो मैया से छुप करके अपना घर में पहला दिन ही चोरी कर रहा था, मैया भी देख लिया। इतने में कृष्ण छलांग लगाए और पिलर को इसे दोनों हाथ से पकड़ लिए, बोले मैया मैया हमारे घर में चोर घुस आयो। बोले कहाँ, बोले इसको अंदर में, इसके अंदर। बोले देखो कितने भोले वाले, देखो अपना परिचय कहे तो चोर घुस आया है। बोले ये बताओ घर में तो चोर आ गए लेकिन तेरे हाथ में मक्खन कहाँ से आ गया। बोले भैया ये बात तो सही है। बोले मैया तुमने मणि की कंगन पहना दी ना, गर्म हो गया था, उसको मक्खन में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले हाथ को तो ठंडा कर रहा था लेकिन मुंह में कैसे लग गया। बोले मैया मुंह में चिट्टी जल रहा था और चिट्टी को हटाने के लिए गई ना, मुंह में मक्खन लग गया है। मैया बोली लाला मैं जो कुछ बनाता हूँ तेरे लिए बनाता हूँ, फिर तेरे को चोरी करने का क्या जरूरत है। कृष्ण ने देखा जीवन में पहला बार चोरी करते हुए पकड़ा गया, लगता है जिंदगी भर में पकड़ा जाऊंगा। इसलिए कहते कृष्ण अपना परछाई को देख करके हैं, परछाई को देख करके, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप गोस्वामी क्या कहते हैं बोलो, हाँ अपरकलित पूर्वम कस्मात करकारी। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण स्वयं अपना परछाई को देख करके, कृष्ण स्वयं भले ये कौन है विस्मापितम, स्वयं कृष्ण आश्चर्य कितने सुंदर हैं, क्या प्यारा रूप है। इसलिए कहते भैया कब ऐसे दिन आएगा, इनको कौन आलिंगन करती है, बोले राधा रानी आलिंगन करती है। बोले कब मैं आऊंगा जब मैं स्वयं राधा रानी बन करके इनको आलिंगन कब मैं करूँगा। इसलिए यहाँ पर कहते कृष्ण की इतना सुंदर लीला है, कृष्ण कहते विस्पापनम है, स्वयं अपना स्वरूप को लीला को देखकर कृष्ण स्वयं आश्चर्य में पटपट जाते हैं। इसलिए कहते परम पद भूषणांग भूषणांग में, भगवान को क्या बताए भूषण से भी परम भूषण है। ये भरे कृष्ण इतने से कहते भूषण का परम, कृष्ण तो कितने कपड़ा पहने हुए थे, कितने कितने कपड़े पहने हुए, रोज रोज कृष्ण का हमारे श्रृंगार करते हैं, कितना मणि मोती है हीरे जवाहरात, कृष्ण कितने सुंदर मुकुट देखो कृष्ण का मुकुट। फिर कहते हैं कृष्ण फिर इतने सुंदर सुंदर कृष्ण का श्रृंगार क्यों करते हैं, क्या कृष्ण की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, बोले नहीं हैं। फिर कृष्ण ये कपड़ा क्यों पहने, इसलिए शरीर को ढक करके रखे, बोले उनको पर किसका नजर नहीं लग जाए, इनके ऊपर किसकी क्या नजर नहीं लग जाए, क्या है बिहारी लाल नजर तो है लग जाएगी नजर तो है हाँ, इसलिए नजर तो है लग जाएगी, तेरे ऊपर नजर लग जाएगा, इसलिए हाँ। इसलिए कृष्ण ये श्रृंगार क्यों किया, बोले इसलिए कृष्ण श्रृंगार किए, अगर कृष्ण खाली शरीर में रहेंगे कृष्ण इतने सुंदर उनको ऊपर किसकी नजर नहीं लग जाए, इसलिए कृष्ण शरीर को ढक करके रखे हैं, ढक करके कृष्ण रखे हैं। इसलिए कहते सूरदास कथा सुनाते हैं, आज गए थे ना कहाँ पर गए थे, अरे गोवर्धन में हरिदेव गए थे, वहीं पर सूरदास जी वहीं पर रहते थे हैं, और वहीं पर श्री कल जो बिठल नाथ वहीं पर रोज रोज उनको श्रृंगार करता था। लेकिन जैसे जैसे श्रृंगार करता था कहते ये सूरदास सुधा अंधे थे लेकिन ठीक वैसे उनको वर्णना कर देता था रोज रोज। एक दिन बिठल नाथ ने सोचा भैया ये तो ढोंग तो नहीं कर रहा है ये अंधे बनने का, अगर ये नहीं करता रोज रोज जैसे जैसे श्रृंगार करता हूँ वो वैसे वैसे वर्णना कर लेता है। एक दिन उन्होंने क्या किया, रोज ठाकुर को स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराया, स्नान करा के अभी कुछ कपड़ा नहीं पड़ा, पूरा नंगे नंगे रख दिया और गले में एक मोती की माला डाल दिए और स्क्रीन को खींच दिए। बोले सूरदास जी आज बताओ आज ठाकुर का श्रृंगार कैसे हुआ, बोले वाह आज हरी आज देखूं हरी नंगम नंगे
आज तक ठाकुर पूरा नंगे ही नंगे हैं, लेकिन मोतियों की लड़ी तो पड़े हुए, लेकिन इनके शरीर में हाँ इसलिए हाँ उठत देखते उठत तरंग है, तो खाली शरीर है लेकिन उनका जो शोभा है ना, उनका जो माधुर्य शरीर में, आनंद की सुंदरता की तरंग शरीर में जैसे हैं, तरंग जैसे रचा हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं यद भूषणांग भूषणांग में, अभी अभी कृष्ण राधा रानी को साथ में मिले कुंज में, कृष्ण अभी मिले कृष्ण कुंज में मिले, मिल करके कृष्ण अभी निकलते हुए जा रहे, इतने में राधा रानी ललिता को कह रहे, बोले ललिते ये कौन है, बोले कौन है, अभी तो तेरे साथ में कुंज में मिल करके गए, बोले नहीं मैं तो कभी उनको देखा ही नहीं, कभी उनको देखा ही नहीं। इसलिए जो जो अनुराग है ना, ये अनुराग का एक विशेष लक्षण, क्या विशेष लक्षण अनुराग का, कहते कहते हर समय भक्तों को सामने भगवान नए 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 रूप में प्रकट होते, जितने बार देखो, कितना बार देखते हो ठाकुर को बताओ, सवेरे देखे हो, दोपहर में देखे हो, शाम को देखो, जो अभी देखोगे ठाकुर को प्रति नजर कभी हटता है, जब जब देखो ठाकुर जी नए 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 ठाकुर जी दिखते हैं। हम जैसा अनर्थग्रस्त जीव है, अनर्थग्रस्त जीव का अगर ये स्थिति हो और जो अनर्थ से मुक्त हो फिर उनको क्या नहीं होगा। इसलिए कहते हर समय कृष्णा, इसलिए कभी कभी गोपियाँ कृष्ण का ताना मारती हैं, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती कर्णों की, अच्छा हुआ तेरे को भगवान ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर लाली होता ना सारा दुनिया तेरे को पाने के लिए पता नहीं आपस से लड़ के झगड़ कर मर जाते। इसलिए कहते भगवान कैसे भूषण भूषणांग भूषणांग, इसलिए भूषण को भी जो भूषणत्व तो देने वाले हैं ये कौन है, श्री कृष्णचंद्र। इसलिए उद्धव जी कृष्ण की महिमा को सुंदरता को गा गा करके उद्धव जी रो रहे हैं, कहते इतने कृष्ण सुंदर है, लेकिन ऐसे कृष्ण सुंदरता को जदुवंशी उनको समझ नहीं पाए, वो हमारे साथ में रहे लेकिन उनको भगवान को समझ नहीं पाए कोई, ये बड़ी माया, ये यही बड़ी माया है। बोले श्री कृष्ण के नहीं लाल की जय।